फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियोस में आपको काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप यू ऑल आर रेगुलरली वॉचिंग देम। ओके, सो इन दिस लेक्चर आई हैव कम अप विद सम मोर सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ tan theta plus sin theta equals to m and tan theta minus sin theta equals to n, then show that n square minus n square is equals to 4 square root mn. Let's see how we will solve it. यहाँ पे हमको m की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी, और हमें इन दोनों LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। Let us take LHS. LHS m square minus n square. So m की वैल्यू है यहाँ पे tan theta प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, जो यहाँ पे ए टेन थीटा प्लस साइन थीटा और बी टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो दैट विल बिकम ए प्लस बी, टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो हो गया ए। अब माइनस बी, तो इसका माइनस करना है, तो माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहां पे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, टेन और टेन कैंसिल हो गया, यहां पे साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, टू टेन थीटा, और उस ब्रैकेट में टू साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यह है हमारा LHS। अब हम RHS लेते हैं, RHS में क्या है, फोर अंडर रूट mn, तो फोर अंडर रूट mn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, n की वैल्यू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एन की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, फोर अंडर रूट, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो दैट विल बिकम टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ टेन की जगह पर रख देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा फोर। इन दोनों ब्रैकेट से इन दोनों से देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यहां से साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में से साइन स्क्वायर कॉमन आके बाहर क्या बचेगा, साइन थीटा, और स्क्वायर रूट में रह जाएगा वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर ही कोस स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं, फोर साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, फोर साइन थीटा एज इट इज आ गया। अब अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इस कोस स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। अब स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा फोर साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो ये आंसर आ गया हमारा फोर साइन थीटा इंटू टेन थीटा। सो देखिए, ये फोर टेन थीटा साइन थीटा और फोर साइन थीटा टेन थीटा, इट इंप्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इसमें हमें एम और एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करा, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करा, और दोनों को इक्वल प्रूफ किया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू रूट टू cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू sin थीटा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व इट। हम cos थीटा प्लस sin थीटा को यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू रूट टू cos थीटा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू कोस थीटा होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू रूट टू का स्क्वायर टू और ये कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान रखना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन पुट मत करना, ठीक है। अगर हम इसको वन पुट कर देंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वहां स्टेप पे पहुंचना। तो देखिए व्हाट विल डू, मैं टू कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊंगा और टू साइन थीटा कोस थीटा को उधर ले जाऊंगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये जब टू कोस स्क्वायर थीटा इधर आएगा और ये माइनस होएगा कोस स्क्वायर थीटा के साथ, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और उधर गया तो ये माइनस का टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए व्हाट आई एम राइटिंग, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कोस थीटा। अभी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है रूट टू कोस थीटा, और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड होएगा। तो देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा अपॉन सॉरी कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, लिख देता हूं उसमें यहां पर। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपॉन, इसकी वैल्यू है रूट टू कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल और रूट टू से ये रूट टू टाइम्स कैंसिल, दैट इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। This is what we have to prove. Cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta. ठीक है? Easy one. Next question देखते हैं. If a cos theta minus b sin theta equals to c, prove that a sin theta plus b cos theta is equal to plus minus under root a square plus b square minus c square. This is a very good question. देखिए, हमको prove करने में plus minus under root a square plus b square minus c square लाना है. और हमको ये चीज given है. तो इस रिजल्ट को देखते हुए हमें आइडिया मिल रहा है कि हम इसको कुछ स्क्वायरिंग करें, राइट। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखते हैं स्क्वायरिंग करके, देखते हैं क्या स्टेप आती है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखिए बेटा हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है वो क्या है, ए के साथ क्या है साइन और यहां पे ए के साथ क्या है कोस, तो हम कोस स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। ऐसे ही देखिए b के साथ क्या है साइन और यहाँ पे b के साथ क्या है कोस, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वन माइनस कोस स्क्वायर से। ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखिए ये जो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है इनको मैं राइट हैंड साइड में भेज रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा।
इक्वल टू सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर उधर जाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा तो नहीं रहना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कहेंगे चाहिए प्लस के चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप लेफ्ट हैंड साइड इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या बन रही है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, देख लीजिए आप ओपन करके, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, बी कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, और मिडिल टर्म टू इंटू ए बी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज लिख देते हैं। अब ये स्क्वायर है उधर स्क्वायर रूट डाल देते, तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस और माइनस दो सॉल्यूशन आते हैं प्लस माइनस के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हेंस प्रूफ, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, If sine theta equals to 3/5, find the value of all other trigonometric ratios. आपको लग रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, राइट, आपको बिल्कुल सही लग रहा है, बट उस वक्त हमने क्या किया था, सिर्फ trigonometric ratios के concept से इसको solve किया था। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको solve करके बताऊंगा with the help of trigonometric identities. Let's see. देखिए हमको sin theta की वैल्यू दे दी, हमें किसके वैल्यू निकालनी है, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, तो सबसे पहले हम cos की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपको ध्यान हो तो cos स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू 3/5 और उसका स्क्वायर करना है हमें, तो 1 माइनस 9/25 दैट विल बिकम 25 माइनस 9 16/25, so therefore cos theta that will be under root 16 upon 25 that is equals to 4/5, minus की value हम नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि negative वाले हम नहीं पढ़ रहे trigonometric ratios, हमारे जो values हैं trigonometric ratios की वो सिर्फ positive वाली है, so cos theta आ गया, thus अब sin theta निकाल, sin theta तो है ही सही, अब हम tan theta निकाल सकते हैं, tan theta क्या होता है, sin theta upon cos theta, so that is 3/5 अपॉन 4/5, 5 और 5 कैंसिल, दैट इज 3/4। नेक्स्ट कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल, दैट इज 4/3। सेक थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, दैट इज कोस क्या है 4/5, तो इट विल बिकम 5/4। एंड लास्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, दैट विल बी 5/3, राइट। Easy है, so आप चाहें तो ये सारे questions trigonometric identity की help से भी कर सकते हैं। Exam में आपके पास कोई foundation नहीं होती कि आपको simply trigonometric ratios से करना है या with the help of trigonometric identities से करना है। आप जैसे चाहें वैसे इस question को attempt कर सकते हैं, ठीक है? देखिए next question, if sec theta plus tan theta is equals to x, obtain the values of sec theta, tan theta and sin theta। देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा, एक expression और equality दे रखी है, ठीक है, और हमें sec, tan और sin की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम यहाँ पे trigonometric identity का किस तरह से यूज करेंगे, आपको ध्यान हो तो हमने सेकंड जो आइडेंटिटी थी उसकी हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, तो sec theta plus tan theta is equals to 1 upon sec theta minus tan theta, और sec theta minus tan theta equals to 1 upon sec theta plus tan theta, तो मैं उसी का यूज करूंगा यहाँ पे, sec theta plus tan theta that is equals to x, ये हमको गिवन है। नेक्स्ट वी हैव sec theta माइनस tan theta दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec theta प्लस tan theta, तो इट विल बिकम 1/x, ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन 1, इट इज एन इक्वेशन 2। अब देखिए मैं 1 प्लस 2 कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूं, तो इक्वेशन 1 में क्या है आपके पास, sec theta प्लस tan theta लेफ्ट हैंड साइड में, और प्लस इक्वेशन 2 में क्या है, sec theta माइनस tan theta, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का काम, राइट हैंड साइड में x प्लस 1। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा और sec प्लस sec 2 sec थीटा दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x एलसीएम ले गया तो ये sec आ गया मतलब 2 sec थीटा की वैल्यू आ गई और यहां से sec थीटा आ गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x sec थीटा आ गया हमारे पास अगर sec आ गया तो हम cos भी निकाल सकते हैं ठीक है नाउ फर्स्ट लेट अस फाइंड 10 अब 10 बच रहा है तो अब हम क्या करते हैं किसी के भी अंदर कोई सी भी इक्वेशन के अंदर sec की वैल्यू रख देते हैं यूजिंग फर्स्ट sec की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x ठीक है प्लस 10 थीटा इक्वल्स टू x तो 10 थीटा चाहिए इन सबको उधर भेज देता हूं x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 थीटा तो हमारे पास 10 आ गया sec आ गया नाउ वी नीड sin थीटा व्हाट हाउ वी कैन फाइंड sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू 10 थीटा इनटू cos थीटा बोलो लिख सकते हैं ऐसा देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा 10 थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा और इनटू cos थीटा तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या sin तो 10 थीटा की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x और cos थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sec का तो ऊपर आ गया 2x और नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 1 2x से 2x कैंसिल तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा ठीक है तो हमने sec निकाल लिया 10 निकाल लिया और sin निकाल लिया सो ये लास्ट टू क्वेश्चंस कुछ इस तरह से थे जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करा और सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली मतलब इसमें हमने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव नहीं करी बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करी है ठीक है सो दीज आर द सम क्वेश्चंस व्हिच आई सेलेक्टेड फॉर यू गाइस ठीक है ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने जितने भी लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है सो फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज ओवर ठीक है आप अपनी साइड से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगता है आपको कोई परेशानी होती है कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो यू लेट मी नो मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा ठीक है सो फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल कम अप विद सम न्यू यूनिट ठीक है टिल दैट मीन टाइम थैंक यू सो मच बाय